अपने बारे भी जो दस रहे थे सानू सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन तुहाडे ते अखां च हंझू देखण नू मिल गए ना सारिआं दे सामने। मेरे अखां च हंझू इसलिए आए थे कि गिप्पी जो सुपरस्टार है ना, उन्होंने मैनू एप्रीशिएट किया। उन्होंने मैनू पहला कोका दे दौरान भी बहुत एप्रीशिएट किया। क्लिप भी तुहाडी भेजी हुई किसी ने भेजी सी, मैं सामभ के रखी हुई है। मैनू प्रिंस बहुत एप्रीशिएट करते हैं क्योंकि प्रिंस ने खुद स्ट्रगल किया है। बेशक लोग मेरा नाम नहीं जानते, बेशक लोग मेरे अवार्ड्स नहीं जानते, लेकिन लोग मेरे काम नू प्यार जरूर करते हैं। प्रिंस कह रहे थे मैं वार्निंग की गल नहीं की, मैं सब को वार्निंग की गल कर दी। इन्होंने लांभा अज बहुत वड्डा दिता मीडिया नू, अज सारे लांभे लाने हैं तुहाडे। तुसी कौमी अवार्ड तो जितते, उस दे नाल नाल काम भी तुहाडा बोलता स्क्रीन दे उत्ते, जिवें सारे आर्टिस्ट ने जिन्होंने तुहाडी तारीफ भी की है। तुसी खुद एक्सपीरियंस की किया इस मूवी दे नाल चेता सिंह दे नाल? चेता सिंह मेरे लिए बहुत वड्डी मूवी है, बहुत मैनू लगता कि मैनू इहदे च अपने आप नू बहुत एक्सप्लोर करन दा मौका मिलिया है। आशीष नाल काम करके बहुत मज़ा आया, मतलब सानू ए फीलिंग आउंदी कई बारी बहुत फिल्मां ते तुहानू ना फिल्म अपनी नहीं लगती, मतलब लगता कि ठीक है फिल्म च काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हां नाल काम करके ये लगता सी साडी फिल्म है, साडी फिल्म है, साडी कहानी है ना। इन्होंने सानू इन्ना कंफर्टेबल रखिया सीगा। आर्टिस्ट नू यही चाहिए हुंदा है कि आर्टिस्ट कंफर्टेबल होना चाहिए है, उन्हों वो तां ही अपने आप नू एक्सप्लोर कर सकता है। जे तुहाडे उत्ते बहुत बहुता प्रैशर होवे जां सैट ते कोई नैगेटिविटी होवे, तुसीं चंगा काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने सानू पॉजिटिविटी दित्ती, वो कॉन्फिडेंस दित्ता, सानू इन्ना एप्रीशिएट भी नाल नाल करदे सीगे और खुद ही इन्ना हार्ड वर्क करदे सी। जिद्दां गरिमा ने दस्सिया, ये रात रात सौंदे नहीं सी दो रातां, है ना, खाने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन लगता नहीं सी इन्हों देख के, इन्हों की एनर्जी देख के लगता नहीं सी कि इन्होंने मतलब कुछ खाधा नहीं है जो सुते नहीं है, मतलब बहुत वधिया डायरेक्टर ने। मतलब अपने बारे भी जो दस रहे थे सानू सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन, तुहाडे ते अखां च हंझू देखण नू मिल गए ना सारे दे सामने? मैं दसदी हां, मेरे अखां च हंझू इसलिए आए सी कि गिप्पी जो सुपरस्टार है ना, उन्होंने मैनू एप्रीशिएट किया। उन्होंने मैनू पहला कोका दे दौरान भी बहुत एप्रीशिएट किया। क्लिप भी तुहाडी भेजी हुई किसी ने भेजी सी, मैं सामभ के रखी हुई है। मैनू प्रिंस बहुत एप्रीशिएट करते हैं क्योंकि प्रिंस ने खुद स्ट्रगल किया है ना, अपने काम नाल ही अगे आए है, तो उन्होंने मेरा स्ट्रगल पता है, तो वो समझते हैं कि जदों मतलब एक एक्टर जिन्हें इन्नी मेहनत लाइफ च कीती होवे, सारी जिंदगी गुजार दी थिएटर करदे आ, उस तो बाद आपां फिल्मां च कर रहे हैं, तो मज़ा तो वैसे इहदे विच ही है कि तुसीं अपने काम नाल अगे आओ, है ना, तुहाडा काम तो काम मिले, ये मैनू सैटिस्फैक्शन है कि मैनू काम तो काम मिलता है ना। मैनू कभी किसी ने ए नहीं कर दिता कि हाँ भी इहनू इहने पिछली फिल्म च कीता सी, इहनू चक के अगली फिल्म च रख दिओ। मेरा तो काम देख के मैनू काम मिलिया। पहला मैं बॉलीवुड फिल्मों च मेरी एंट्री हुई है, उस तो बाद मेरी पंजाबी फिल्मों च एंट्री हुई है बॉलीवुड की फिल्म देख के। बेशक तुहानूं अज नाम तो ना जानदे हो पर तुहाडा चेहरा जदों फिल्मों च देखा जाता आम घरां च बीबियां बच्चे की सारे हर उम्र वर्ग के तुहानूं एप्रीशिएट करते हैं। हाँ, ये तो मैनू हुण फीलिंग आउंदी है कि लोग मैनू प्यार करते आ, लोग मेरा काम पसंद करते आ। बेशक लोग मेरा नाम नहीं जानते, बेशक लोग मेरे अवार्ड्स नहीं जानते, लेकिन लोग मेरे काम नू प्यार जरूर करते आ। बाकी प्रिंस कह रहे थे मैं वार्निंग की गल नहीं की, मैं सब को वार्निंग की गल कर दी हाँ, अज नहीं बाई चांस की क्योंकि फिर मैनू लगा कि टाइम थोड़े को घट है। अज किसी वार्निंग भी देना चाहोगे? नहीं, वार्निंग मैं किसी को नहीं देनी, लेकिन वार्निंग वन और वार्निंग टू दे सीन्स मेरे बेशक एक एक सीन है, लेकिन तसल्ली हो जाती है, है ना। तो ये उन्होंने मतलब गिप्पी ने खुद मैनू बहुत एप्रीशिएट किया वार्निंग वास्ते, प्रिंस ने बहुत एप्रीशिएट किया, तो मैं उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने मैनू मेरे ते इन्ना भरोसा किया।